माफ कीजिएगा सर, किस कदर लापरवाही बरती काले खां। जावेद मियां, आप प्रोफेसर अरमान बख्श से मुखातब हैं। ऐसे 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 बड़ी प्यारी बच्ची है हुजूर, लोग कहते हैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई है हुजूर। चले आओ काले खां, चले आओ। हुजूर, ये चमन जमीन पर है कि मैं ही किसी जन्नत के बाग में आ पहुंचा हूं? हुजूर, यहाँ के दरख्तों की छटाई देखकर तो मैं हैरान हूँ। अरे हुजूर, वो देखिए, वो दरख्त तो बिल्कुल मोर जैसा दिख रहा है। काले खां, ये सब सुल्तान आलम के ज़ौक और शौक का कमाल है। वो मालियों को इस तरह समझा देते हैं कि उनके हाथ खुद ब खुद दरख्तों को तराश कर परिंदों की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। हुजूर, ऐसा लग रहा है जैसे दरख्तों को पिघला कर शक्ल दे दी हो। हुजूर, उधर देखिए, वो उस दरख्त की कांट छांट ऐसी कर दी गई है कि उस परिंदे की तिकोनी कलगियां और नोकदार चोंच भी साफ नजर आ रही है। और हुजूर, उस जानिब देखिए, वो तो सबसे कमाल का मोर है। काले खां, तुम क्या समझते हो, ये अपने आप इस शक्ल के हो गए? नहीं मियां, नहीं। रोज अंधेरे में बहुत से माली सीढ़ियां लगाकर या पाड़ बांधकर एक एक दरख्त की छटनी करते हैं। हुजूर, मेरी तो अकल हैरान हो रही है। हुजूर, ये सब आपकी बदौलत ही हुआ कि मैंने इस ज़मीन पर ही जन्नत के दीदार कर लिए। वाह वाह सुल्तान साहब, वाह। हाँ काले खां, ताऊस चमन के बाद असद चमन है। वहाँ भी बेशुमार सेहतमंद, हसीन और छतनान दरख्त हैं। ताऊस चमन के बेशतर दरख्तों को मोर की शक्ल में तब्दील किया गया है और असद चमन के छतनान दरख्तों को शेर की मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील किया गया है। क्या कहा हुजूर, शेरों की शक्लों में? हाँ, ये तो तुम जानते हो ना कि असद का मतलब शेर होता है। अच्छा हुजूर, असद चमन का मतलब शेरों का चमन और ताऊसे चमन का मतलब मोरों का चमन है ना हुजूर? हाँ काले खां, असद चमन में कई नस्लों के हिरन, बारह सिंगे और छोटे छोटे खूबसूरत जानवर हैं। सुल्तान आलम अक्सर अपनी महलात के साथ वहाँ सैर को जाते हैं। क्या फरमाया हुजूर, अपनी महलात के साथ? हाँ, महलात का मतलब बेगमात से होता है। अच्छा हुजूर, ठीक फरमाया आपने। काले खां, गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हारे नाम के साथ सारे कागजात थोड़ी देर पहले ही मंजूरी पा चुके हैं। उन पर शाही दफ्तर की मोहर भी लग चुकी है। अब तुम शाही मुलाजमत के गिरफ्त में ले लिए गए हो। सरकार, मैं कुछ समझा नहीं। अदब अहमक आदमी, हम कह रहे हैं कि आज से तुम सुल्तान आलम नवाब वाजिद अली शाह शाह अवध की मुलाजमत में ले लिए गए हो। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुम्हारी बच्चे के नसीब से परवरदिगार ने तुम्हें ये मौका दिया है। क्या नाम है उसका? फलाकारा। हुजूर, फलाकारा बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत खूबसूरत बच्ची है। फलक आरा नहीं, आज से तुम्हारी बच्ची का नाम होगा फलक आरा बेगम। लेकिन सरकार, इस जन्नत निशा चमन में मैं किस काम का? तुम्हारा काम ताऊस चमन को आईने की तरह से रखना है। उधर देखो, वहाँ एक बड़ा चबूतरा तामीर किया जा रहा है। जब वसी चबूतरा बनकर तैयार हो जाएगा, उसी के बाद तुम्हारा काम शुरू होगा। हुजूर, आपने मुझ जैसे नकारा, बेमकसद और बेमसरूफ इंसान को
जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। हुजूर, मेरे पास तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज भी नहीं है। हुजूर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको इंसान जानूं या फरिश्ता मानूं। कैसी बातें करते हो काले खान, जाओ अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करो। सबसे पहले कर्ज से निजात पाओ, उसके बाद अपनी बच्ची के जितने अरमान पूरे कर सकते हो पूरे करो। यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में संभलने का आखिरी मौका है। उठो काले खान। काले खान, जाओ घर जाओ, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। एक बात हमेशा याद रखना, अब तुम सुल्तान आलम शाह अवध के मुलाजिम हो। जाओ। बेगम कहाँ चली गई? अरे भाई फलाकारा बेगम है। अरे भाई जुमेराती अम्मा, ये फलाकारा बेगम। अरे अरे, अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? बाप रे बाप रे। अरे अरे, ये फिर अपने आप कैसे चल रहा है भाई? अरे अरे बाप रे। अरे अरे, अच्छा ये तो हमारी मैनो है। हाँ, हम आपको ताऊस चमन का मोर बन के दिखाए। एक मिनट, आप खड़े हो। ऐसे ऐसे मिया, तुम भी खूब हो। अरे भाई, हम तो ताऊस से चमन में ढूंढ रहे थे, पहाड़ी मैना ढूंढ रहे थे, पर हमारी पहाड़ी मैना तो हमारे घर पर ही मौजूद है। अब्बा, मैं पानी लेकर आ। मिया, ए मिया, दो रोटियां डाल दूं? नहीं, अभी पेट भरा हुआ है, भूख भी नहीं है, नमाज के बाद खा लूंगा। अच्छा ठीक। अब्बा पानी। अरे वाह फलाकारा शहजादी, माशाअल्लाह इतनी बड़ी हो गई हो, परवरदिगार तुम्हारा नसीब बढ़ाए। फलाकारा, इधर आओ बिटिया। या मेरे मौला, तूने दरोगा नबी बख्श को फरिश्ता बनाकर उतारा है। बीवी के मर जाने के बाद से आज इतने दिनों बाद मैंने फलाकारा को गौर से देखा है। मां से बिछड़ी ये नन्ही जान इतने दिनों तक बाप की मोहब्बत को भी तरसती रही। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, अब मैं एक जिम्मेदार मुलाजिम ही नहीं, एक जिम्मेदार बाप बनकर भी दिखाऊंगा। तो सर, इसका मतलब मैं ये निकालूंगा कि गैब से किसी ने दरोगा नबी बख्श के दिल में ये बात डाल दी कि वो आपके नाना काले खां के वास्ते मुलाजमत का वसीला बने। और जाहिर सी बात है, आपकी वालदा जो अपनी माँ की मोहब्बत और शफकत से महरूम रह गई थी, परवरदिगार ने उस बच्ची की दुआओं को कबूल किया और आपके नाना के दिल में उस बच्ची के लिए प्यार उंडेल दिया। वो दिन यकीनन मेरी वालदा के लिए बहुत मुबारक दिन था। यही वो दिन था जब उनकी किस्मत का सितारा टिमटिमाया था, वरना हमारे नाना बहुत ही रफ टफ इंसान थे।
एहसासे जिम्मेदारी जैसे अल्फाज का उनकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं था, लेकिन खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि उस फाका मस्त घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। शाम को नाना काम से घर लौटते तो हाथ में खील और बताशों का दोना होता। उस घर में कभी सूखी रोटियां नसीब नहीं। या खुदा, इंसान भी कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरता है सर। देखिए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी वालदा की कुछ किस्मत ही ऐसी थी कि उनका बचपन खारदार माहौल में गुजरा। बहर कैफ, मेरे नाना के दिल में बेटी की मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगी। रफ्ता रफ्ता माहौल बेहतर होने लगा। हालांकि घर में कोई खुशहाली नहीं थी, लेकिन दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया था। लेकिन वो तो शाही मुलाजिम हो गए थे ना, तनख्वाह तो अच्छी रही होगी। मियां साहबजादे, आप क्या समझ रहे हैं? अरे किसी भी दौर में चपरासी और माली के हाथ क्या लगता है। लेकिन उनकी तनख्वाह हालांकि हुसैनाबाद के इमामबाड़े की मुलाजमत से कुछ ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी सर? अरे बस दो आने ज्यादा। क्या कहा? हाँ, सिर्फ दो आने ज्यादा। आज के बच्चे तो दो आने का मतलब भी नहीं समझते। अब तो दो रुपए की भी कोई हैसियत नहीं रही। हकीकत तो यह है कि आज पैसा ठीकरा हो गया है, लेकिन वो जमाना था कि दो आने का मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यानी इस नई मुलाजमत से आपके नाना के घर में खाने का बंदोबस्त तो हो ही गया। हाँ मियाँ, गो कि मेरी वालिदा बच्ची थी, जाहिर है बच्चे भी बदलते हालात और तब्दीलियों को भांप लेते हैं। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अपने वालिद की शफकत और मोहब्बत की वजह से वो जो गरीब बच्ची थी वो फिर से चहकने लगी। फलकारा शहजादी उड़ रही है। ए मिया, ए धूप सर पर चढ़ाई है और तुम उदावन कसने में लगे हो? काम करने जाना है क्या? अरे जुमेराती की अम्मा, हम महाजन के मुलाजिम नहीं है, सुल्तान आलम के मुलाजिम है। अरे एक माह तक हमने सुबह की बारी नौकरी कर ली और अब आज से एक माह तक जुहर के वक्त जाएंगे और बाद मगरिब के आएंगे यहाँ। खूब, बहुत खूब, तुम्हारी तो मजे की मुलाजमत है। अरे भाई, इसमें मजे वाली कौन सी बात है, है? बताओ तो भला। ए मियाँ, काम आधा और खैर से तनख्वाह पूरी, तुम्हारे तो मजे ही मजे है मियाँ। अल्लाह करे तुम जल्द ही कर्जे से आजाद हो जाओ और फिर खैर से नन्ही फलकहारा के लिए पैसे जोड़ो। बिन माँ की बच्ची है तो माँ की जिम्मेदारी भी तो तुम्हें ही निभानी होगी। अरे अभी चार बालिश की तो बच्ची है मियाँ। यही बात तो मुझे तुम मर्दों की अच्छी नहीं लगती। बारात दरवाजे पे आ जाएगी और तुम्हारे लिए चार बालिश की नन्ही रहेगी क्या? तुम बार बार उसे बिना माँ की बच्ची क्यों कहती रहती हो? जिस तरीके से तुमने उसका ख्याल रखा है उसमें माँ के प्यार की कमी कहाँ महसूस होती? अब तुम्ही को बेड़ा पार लगाना होगा। मियाँ, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ने दिन फेरे हैं तो एक बार घर बसाकर देख लो। जुमेराती की अम्मा, आज तो ये बात कह दी, आइंदा ना कहना। मैं अपनी भूल सी बच्ची को माँ का प्यार नहीं दे सका तो कम से कम उसे सौतेली माँ के अजाब से तो बचा ही सकता हूँ। और फिर तुम्हारे रहते भला मैं ये सब क्यों सोचूं? मियाँ, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ कि तुम्हारी चांद सी बेटी की जवानी देख पाऊँ। सब नसीब की बात है, मेरे तो कर्म ही फूटे निकले जो मियाँ के गुजर जाने के बाद यूँ अपने बेटे जुमेराती को खो बैठी। अच्छा भला कमाऊँ पूत
ऐसा गबरू जवान था, मुझसे कह के गया कि चौक की लजीब रबड़ी से तुम्हें खुश करूंगा। बस उससे पहले ही दोस्तों के साथ गोमती की सैर को गया था। तुम ठीक कहती हो जुमेराती की अम्मा, सबका अपना अपना नसीब है, नसीब के लिखे को कौन टाल सकता है। दो दिन की बीमारी में फलाकारा की माँ इसे छोड़कर चल दी, और तुम्हारा बेटा जुमेराती कैसा शानदार तैराक था। अक्सर दोस्तों के साथ गोमती पार करता था, और उस रोज गजब खुदा का कुंड में ऐसा फंसा कि फिर वापस ना आया, और वापस आया भी तो उसकी लाश। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही जंग में, वरना ऐसा गबरू जवान भंवर के काबू में कहां आने वाला था। हर रोज कहता था कि तुम्हें दुनिया जहान की ऐश करवाकर ही शादी करूंगा, क्या पता तुम्हारी बहू मुझ पर ऐसा जादू टोना कर दे कि मुझे तुम्हारी तरफ देखने तक ना दे। और कहता था कि काले सर वाली हम बड़ी गजबनाक हुआ करती है। हम तो इतना जानते हैं कि जिसके नसीब में जो है वो मिलकर रहेगा, और जो नसीब में नहीं है उसके लिए क्या आंसू बहाना। किसी से उसकी औलाद छिन जाती है और किसी से घर वाली, पर इंसान भी बड़ी सख्त जान है, हर हाल में जी लेता है, भूखा प्यासा। ये कौन है? अरे ये तो हमारी बेटी फलाकारा है। क्या कर रहे हो अब्बा तुम? अरे बेटा, हम आपके लिए चारपाई ठीक कर रहे थे। चारपाई तो ठीक है। हाँ, अभी ठीक हो गई। हमने उसका झोल निकाल दिया। अब्बा जी, एक बात कहें। बोलो। अरे बेटा, आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत है। बोलो, क्या बताओ? अब्बा जी, हमें पहाड़ी में ना ला दो ना। बेटी, हम आपको कैसे बताएं कि आपकी अम्मा के जाने के बाद हमने ये कसम खाई थी कि अब इस घर में कोई परिंदा नहीं आएगा, पर हम अपनी बेटी फलाकारा के लिए जो भी मेरे बस में होगा वो सब करेंगे। हम अपनी बेटी की फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। हम अपनी मैना के लिए उसे एक पहाड़ी मैना ला करके जरूर देंगे। अब्बा जी, आप हमारी पहाड़ी मैना कब लाओगे? अब बेटी, चिड़ियों का बाजार रोज रोज नहीं लगता है, हफ्ते हफ्ते में चिड़ियों का बाजार लगता है। अब जिस रोज लगेगा हम उसी रोज बाजार जाएंगे, और जैसे ही पहाड़ी मैना नजर आएगी उसे ला करके हम शहजादी के हवाले कर देंगे। हाँ, सच्ची, बिल्कुल सच्ची। बारे सी सूरज के लल छुए पाँव रे, राम नाम जपनो लगे जाग गए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियां। हुजूर, वो वाली मैना कितने की थी? ये वाली? हाँ, इसके 2 रुपए लगेंगे मियां। हुजूर, ये पहाड़ी मैना है ना? वाह भाई वाह, पहाड़ी मैना 2 रुपए में लोगे? ये देसी मैना है। जंगली मैना 2 पैसे की, देसी मैना 2 रुपए की, और पहाड़ी मैना 5 रुपए में मिल जाए तो समझो सस्ती है। वाह वाह, लूट मचा रखी है क्या? जाओ है, तुम भी। 5 रुपए की पहाड़ी मैना बता रहे हैं। 5 रुपए की पहाड़ी मैना, जाहिर है एक आम आदमी के बूते की बात तो थी नहीं। इस तरह के परिंदे तो नवाबी शौक के लिए हुआ करते थे। हाँ सर, देसी मैना से 2 गुना भाव थे पहाड़ी मैना के। नाना शायद तनख्वाह मिलने पर यह कीमत अदा भी कर देते,
लेकिन दरोगा नबी बख्श का हुक्म था कि जब तक तुम पर महाजनों का उधार है तब तक तुम आधी तनख्वाह घर ले जाओगे और आधी तनख्वाह से कर्ज अदा करो। सर ये तो दरोगा साहब ने अच्छा ही काम किया, वरना महाजन का सूद बढ़ता जाता और आपके नाना और भी मकरूज होते जाते। अरे उन कमबख्तों ने तो न जाने कौन सा सूद दर सूद, ब्याज दर ब्याज लगाकर उस बोसीदा मकान को भी हड़पने की तैयारी कर ली थी। जाहिर है सर, हम महाजनों के मंसूबों पर सारा पानी फेर दिया। हम ही कहते हैं ना कि नेक लोगों पर अल्लाह की रहमत होती है। सो दरोगा नबी बख्श का रोग नाना पर भी था और महाजनों पर भी था। सर उस दिन मैना की खरीदारी तो हो नहीं पाई होगी। जितनी तनख्वाह उनकी मुट्ठी में थी उससे उन्होंने उस रोज एक खाली पिंजरा खरीद लिया जी, और घर आकर अपनी बेटी को समझा बुझा दिया कि आज पिंजरा आया है तो कल मैना भी आ जाएगी। सर ये सब बातें कलम बंद कर लीजिए, क्योंकि ये सब बातें तारीख का हिस्सा है जिनसे लोग ना वाकिफ है। सोच तो रहा। सोचिए सर जरूर। आइए। भाई खुशहाल, तुम कहाँ? अरे एक जमाने बाद मिले हो, कैसे हो? कैसा हूँ देख तो रहे हो, जाने माँ बाप ने क्या सोचकर मेरा नाम खुशहाल रख दिया। अब तुम्हें तो पता है ना कि मैं बदहाल था बदहाल हूँ। अच्छा तुम सुनाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मियाँ खुशहाल, मेरे एक छोटी प्यारी फूल सी बच्ची है, फलाकारा नाम है उसका। अच्छा। दिन भर चिड़िया की तरह चहचहाती रहती है, उसकी माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। उसकी फरमाइश है कि अबू मुझे एक पहाड़ी मैना ला दो, तो मैं सोचता हूँ कि अगर सही दामों मिले तो एक ले लूँ उसके लिए। अरे भाई बच्चों का क्या है, जो सुन लेते हैं ना उसी की फरमाइश कर डालते। अब तुम तो जानते हो कि मैं काजी जी के अस्तबल में काम करता हूँ, और जो हमेशा अस्तबल में रहेगा घोड़े की बात तो उसके मुंह से निकल ही जाएगी। अब गाहे बगाए मेरे मुंह से घोड़े की बात निकल गई और मेरे बेटे ने जिद पकड़ ली, कहने लगा अब्बू जब तक मुझे घोड़ा नहीं ला के दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर तुमने क्या किया, घोड़ा दिलवाया? अरे क्यों मस्करी करते हो, अरे जिसका बाप घोड़े की लीद उठाता हो, उसकी मालिश करता हो, उसे दाना खिलाता हो, भला उसकी हैसियत हो सकती है घोड़ा खरीदने की? तो फिर तुमने क्या किया, उसे कैसे मनाया? अरे करता क्या, दूसरे दिन फिर वो जिद करके बैठ गया, मैं भी बहुत गुस्से में भरा बैठा था, दो हाथ जड़ दिए, घंटा भर रोता रहा और रोकर चुप हो गया। उसके बाद फिर कभी उसने जिद नहीं की। अरे मेरी बच्ची यही तो नहीं समझती है, जिद पकड़े हुए है, अब्बू एक पहाड़ी मैना ला करके दो, अब्बू एक पहाड़ी मैना ला करके दो। अम्मा मियाँ मैं तो ये कहता हूँ अब के जिद करे ना तो जोर से कान ऐंट देना, फिर कभी जिद नहीं करेगी। मियाँ कैसी बात करते हो, बिन माँ की बच्ची है, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि गुड़ दे ना सको तो गुड़ जैसी बात तो कर लो। मियाँ पहाड़ी में ना 2-2.5 रुपए से तो कम की ना होगी। अरे मियाँ कल एक यही बेच रहा था 5 रुपए की बता रहा था, अब बताओ कैसी लूट है, अरे इतनी सी चिड़िया और इतना दाम। अरे हम गरीब लोग तो बस सोचते ही रह जाएंगे। हाँ काले खां मैं वादा तो नहीं करता, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बात बन जाएगी। कौन सी बात? अरे वही तुम्हारी बेटी के लिए वो मैना वाली बात। तो तुम्हारा क्या कोई करीबी चिड़ी मार है क्या? अम्मा मियाँ आम खाओ पेड़ ना गिनो, अगले हफ्ते मैं कोई तरकीब लगाता हूँ और खुदा ने चाहा तो ₹125 में पहाड़ी मैना तुम्हारे हाथ लग जाएगी। अब ₹125 का तो बंदोबस्त कर लोगे ना? हाँ अल्लाह ने चाहा और बच्ची का नसीब हुआ तो जरूर कर लूंगा। अम्मा मियाँ बहुत ऐश कर चुके, अब कोई काम धंधा ढूंढो और खैर से बेटी के बाप हो। अरे कहते हैं बेटी तो हर सांस के साथ बड़ी होती है। अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली है मियाँ। क्या कोई काम धंधा ढूंढ लिया,
कोई ठिया ठिकाना हाथ लग गया क्या? हाँ मियाँ, दरोगा नबी बख्श के दिल में ना जाने क्या नेकी आई कि मुझे घर से बुलवा भेजा। खूब डांटा, टपट पिलाई और समझाया, बच्ची का वास्ता दिया, महाजनों के खौफ से डराया। और फिर मेरी भी समझ में आया कि मियाँ काले खां बहुत निठल्ले बैठ चुके, अब कुछ करना चाहिए। खुशहाल मियाँ, अब हम भी एक खूंटे से बंधे हुए हैं। चलो भाई, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं पिछले हफ्ते खेमीचंद महाजन के यहाँ गया था कर्ज लेने के लिए। कम वक्त ने बहरंग लौटा दिया। बहरंग लौटा दिया? क्यों? वही खाता खोल कर दिखाने लगा, कहने लगा कि पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं जाता, अगला कर्ज लेने चले हो। वही खाते में औरों के साथ साथ तुम्हारा नाम भी था मियाँ। देखो मियाँ, अब ठिकाने से लग गए हो तो पहली फुर्सत में उनका कर्ज चुकाने की जुगत सोचो। मैं क्या सोचूं? दरोगा साहब ने मुझे मुलाजमत ही इसी शर्त पे दी थी कि आधी तनख्वाह मैं पहले महाजनों को दूंगा और फिर आधी घर ले जाऊंगा। अच्छा भाई, अल्लाह सबके पीछे ऐसा ही दरोगा लगा दे। अच्छा मियाँ खुशहाल, अभी चलता हूँ। अच्छा, देर हो रही है। अच्छा।